नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूं दोपहर की बड़ी खबरें। लेह के दुर्गो इलाके में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह बस 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सेना और CHC तांगत से स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 23 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली फिल्म एलियन रोमुलस सिनेमाघरों में हॉरर फिल्मों के दौर को बढ़ावा देगी। इस फिल्म में हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। यह फिल्म एक नए हॉरर यूनिवर्स की कहानी है और एलियंस के बीच इंसान फंस जाते हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल भाजपा पीड़िता के लिए न्याय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा लड़ाई लड़ रही है, न्याय होना चाहिए और मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने राष्ट्र के हित में और जन सेवा की भावना से कोलकाता कांड के विरोध में 11 दिनों की हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। एम्स प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद इस निर्णय को लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी तो 24 अगस्त को आरक्षण के इसी मुद्दे पर प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन करने जा रहे हैं। यहां पर उनका कहना है कि जैसे केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन दिया था, उससे भाजपा के मंसूबे साफ नजर आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस पर दबाव बनाया और नतीजा हुआ कि भाजपा को यह भर्ती विज्ञापन रद्द करने पड़े। इस दौरान कांग्रेस पार्टी सरकार को आरक्षण मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। भारत ने गुरुवार को बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर आई खबरों को गलत करार दिया है। खबरों में कहा गया था कि त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने बांध को खोलने की वजह से बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, नदियों में बाढ़ एक साझा समस्या है, यह दोनों तरफ के लोगों को तकलीफ पहुंचाती है। इस समस्या को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की जरूरत है। बेतिया में एक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को छात्राओं द्वारा शराब पीते हुए देखा गया है। छात्राएं ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की है। प्राचार्य द्वारा संचालित संस्थान में छात्राओं का दावा है कि उन्हें मानवीय व्यवहार नहीं मिल रहा है। कन्नौज जिले में दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के प्रकरण में प्रशासन ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख की संपत्ति के साथ रिश्तेदारों को भी घेरे में ले लिया है। नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव के साले के कोल्ड स्टोर पर बुलडोजर चलाया गया है। तहसील प्रशासन ने अभी तक नोटिस के बावजूद कोल्ड स्टोर की बाउंड्री वाल नहीं गिराई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।